अब हम शनि ग्रह की ओर चलेंगे। हम एक बार शनि स्थान की ओर दृष्टि रखिए, कारकों के बारे में, चिन्हों के बारे में भी एक बार दृष्टिपात कीजिएगा। बंधु, अब हम देखेंगे ये शनि अंगुली है, मध्यम अंगुली, बीच में है, बड़ी अंगुली है, मध्यम अंगुली है, शनि का प्रातिनिध्य करने के कारण इस अंगुली का नाम शनि अंगुली भी कहते हैं। यहां नाना प्रकार के चिन्ह मैंने बता दिए। तो वायुमंडल में विस्तरित शनि से संबंधित कारकों को ग्रहण करने का एक यंत्र एंटीना प्लक्पिन जैसे ग्रहण कर कारकों का एक वेग के साथ पर्वत प्रांत में शनि पर्वत प्रांत में कारक पात होता है। वेग से कैसे चिन्ह हो, तो खड़ी चिन्ह हो, खड़ी रेखाएं हो, चक्र जैसा घूमता हो। इसीलिए तो इन अंगुलियों के चिन्हों के बारे में बताते हुए सभ्य चक्र बाएं हाथ में आपका सभ्य चक्र, सभ्य शंख बाएं हाथ में आपका सभ्य शंख, यहां लंबी रेखाएं कुछ कुछ चिन्ह भी होते हैं कभी कभी, यहां भी लंबी रेखाएं होती हैं। तो यहां खड़ी रेखाएं होने के कारण, दीर्घ रेखाएं होने के कारण, ऊर्ध्व रेखाएं होने के कारण शनि कारकों को वृत्त के रूप में, शंख के रूप में एक वेग से घुमाकर दाई ओर यानी सभ्य चक्र के रूप में घुमाकर, सभ्य शंख के रूप में घुमाकर खड़ी रेखाओं में एक वेग भरकर यहां से यहां तक लाकर बड़े वेग के साथ अच्छे अच्छे कारक शनि पर्वत पर डालते हैं। ये शनि पर्वत की सीमा कहां तक है, उनके हाथ क्या है, देखिएगा। हथेली का जो ऊपर का भाग है, हथेली का अगर उसको बुनियाद समझेंगे, जड़ समझेंगे, मूल समझेंगे, मूल से लेकर गुरु और शनि अंगुली को दोनों को पसारेंगे तो बीच की बिंदु से लेकर सीधी लकीर सीधा एक ऊहा या कल्पित रेखा को हृदय रेखा तक ले जाइएगा। वैसे ही मध्यम अंगुली और अनामिका इन दोनों को पसार कर जहां चर्म मिलकर रहता है वहां एक केंद्र बिंदु बनाकर एक कल्पित सीधी रेखा को ले जाकर हृदय रेखा तक ले जाइए और हृदय रेखा भूमि बनती है। तो ये है जो नील वर्ण में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये शनि का स्थान है। शनि को काले रंग में बताते हैं पाश्चात्य और स्वदेशी शास्त्र में,
यही अंतर है। नील वर्ण पाश्चात्यों का वर्ण नहीं है, नील वर्ण नहीं कहते हैं, मगर किसी वस्तु, जो वस्तु बड़ी होती है, महान होते हैं, दूर होते हैं, ऊंचे उगे होते हैं, दूर से अगर हम एक दृष्टिपात करेंगे, विहंग दृष्टि से देखेंगे, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़े बड़े हर कोई नील रंग में दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण यद्यपि व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ते हैं, राम मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ते हैं, किंतु मनुज बनकर मानवी का पाई पिया, मनुज जैसा ही है, मगर किस वर्ण में है, नील वर्ण में। कृष्ण घनश्याम, श्याम वर्ण, नील वर्ण हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, पाश्चात्यों का नहीं। पाश्चात्य लोग नील को मानते ही नहीं, मगर नील रंग को हम बड़े गौरव के साथ देखते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस अंगुली को, नील रंग के अंगूठे को पहनाते हैं यहां पर, यानी इंद्र नीलमणि बोलते हैं उसे, उसको पहनाते हैं। कनक पुखराज तो इंद्र नीलमणि नील रंग के रहते हैं, ये शनि कारक के होते हैं, शनि कारक के विस्तार करने के लिए। अगर शनि समस्थिति में नहीं है, वैसे समय इंद्रनील को पहनकर लाभान्वित होते हैं जातक लोग। तो ठीक है, यहां कारक पाप हो गए। इन दो राशियों के लिए इधर के बॉडी गॉड्स है मकर और कुंभ, ये राशियों के अधिपति हैं, ग्रह देवता है, ग्रह ग्रह है शनि, यानी शनि ग्रह प्रधान व्यक्ति मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले होते हैं। हाँ, अब देखिए कालकुण के बारे में देखिए, हम कालकुण के विषय में सोचेंगे, भक्ति तो हर ग्रह में होती है, भक्ति कहते ही सीधा याद आने वाला ग्रह, श्रुति में फिरने वाला ग्रह है गुरु। भक्ति तो शनि में भी होती है, भक्ति तो सूर्य ग्रह में भी है, भक्ति तो बुध ग्रह में, भक्ति तो सर्व सर्वत्र है, फैला हुआ है, प्रधान नहीं है वो, प्रधान किसके लिए, गुरु ग्रह के लिए। उसी प्रकार इस नक्षत्र के प्रधान कारक क्या क्या हैं इस शनि के लिए, तो देखिएगा एक बार। पहले देखेंगे हम आयु, जीवन, मृत्यु, आयु कारक है ये। दीर्घायु वाले कौन होते हैं, शनि जातक के लोग होते हैं, उत्तरायणी धन कारक है, धनवान है। इस ग्रह में अगर खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ी एक दो, तो समझिए कि वे काफी धनवान होते हैं। यहां से जो रेखा निकलती है, कंकड़ रेखाओं के लगभग निकटवर्ती प्रांतों से निकलकर जो रेखा ऊर्ध्व रेखा बनकर मध्यमांगुली की ओर खिलती है, रेखा सहायकारी रेखा है, वे तरंगे हैं, गाड़ी चलाते हैं तो पीछे बहने वाली हवा है वो, बस उतना ही। सही धन रेखा, सच्ची धन रेखा, नित्य धन रेखा, स्थायी धन रेखा, यहां की रेखाएं होती है। अगर किसी व्यक्ति को यहां नहीं है तो धनवान होगा, श्रम करेगा, कमाएगा, सुखी रहेगा, भोग भागी रहेगा, वो धन भागी रहेगा, धनवान कहेगा। अगर एक दो लकीरें यहां लंबी लकीरें दिखाई है, विश्वास कीजिए बंधु, दूसरे किसी के सामने यूं हाथ पसारेगा नहीं, देने की शक्ति रहती है, लेना तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, स्वप्रभाव में भी वो संभव नहीं है, तो उतने धनवान भी होते हैं। हां, यहां की रेखा जो इधर चलती है नीचे से कंकण रेखाओं से, जैसे कि तरंगे चलती है ना, पीछे से हवा बहती है ना, हवा जरा जोर से बहाने के लिए, बहने के लिए, धन के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए
ये रेखा काम में आती है, बस उतना ही, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत लंबी रेखा को देखकर बहुत धनवान बोलेंगे तो अगर शरीर स्थान में ही लंबी रेखा नहीं रहे तो क्या फायदा है? कुछ नहीं। प्रयत्न कर रहा है, जितना प्रयत्न कर रहा है उतना ही कमाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इस तरह से देखा शरीर अंगों की पहचान किस प्रकार होगी हमें, एक ही बात देखेंगे। मैंने आपसे कहा ऐसी रेखाएं, नालिका रेखाएं, अत्यंत सूक्ष्म रेखाएं जो दूरबीन की सहायता से मात्र से ही देख सकते हैं, ऐसी रेखाएं शनि पर्वत के केंद्र प्रांत में, बीच में, यहां केंद्र स्थान का मतलब मध्य भाग, मध्य भाग में ऐसी नालिका रेखाएं होकर दो रेखाएं, अगर खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्व रेखाएं, लंबी रेखाएं, सरल रेखाएं दिखाई पड़े तो ऐलान कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि शनि जातक है, या तो मकर राशि से संबंधित होते हैं या नहीं तो कुंभ राशि से संबंधित होते हैं। भाई शनि जातक है इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु उनके अनुकूल नहीं, अगर समपात में रहता है, उन्नत रहता है तो ठीक है, गुरु अनुकूल है, गुरु जातक नहीं बन सकता। अगर यह भी समुन्नत है सूर्य भी, हां अनुकूल है सूर्य, अनुकूल रहना अलग है, जन्मजात ग्रह होना अलग है। जातक को अपने जन्म राशि को बताने के लिए इन नालिका रेखाओं को केंद्र स्थान में और लंबी रेखाओं को देखने की आवश्यकता है, तभी कोई साहस कर सकता है कि ये शनि जातक है, शनि ग्रह इनका प्रधान ग्रह है करके। इतना बस है जानने के लिए, और भी गहरे में पहुंच जाएंगे तो शास्त्रों का अध्ययन भी कृपया कीजिएगा, मैं पूरा तो नहीं बोल सकता हूं, मैं कोई पारंगत तो नहीं हूं ना पूरे सागर को आर पार करने के लिए, मैं तैरना जानता हूं, जहां तक मेरी सकत है, मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है वहां तक ही तैर सकता हूं, जहां तक मैं जानता हूं वहां तक ही मैंने बताया, ठीक है। तो देखिएगा इसके तीन रूप में दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में तीन रूप का मतलब तीन रंगों में या तीन आकारों में, तीन रेखाओं में या तीन संकेतों में या चिन्हों के रूप में नहीं, मेरा कहना यानी पर्वत भाग तीन तरीके से तीन रूप में दिखाई पड़ते हैं। एक है समपात, वास्तव में समतुल्यता की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का स्थान जरा ऊंचा हो तो इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, जरा ये थोड़ा ढलवा, थोड़ा उतरा, थोड़ा नीचा। इसका मतलब यह नहीं कि खाई जैसे दिखाई पड़े, खाई जैसे दिखाई पड़े, एकदम काफी निम्न रूप से दिखाई पड़े तो काफी नष्ट होंगे, उतने निम्न रूप से नहीं देखना। अगर वैसा रहा तो निच स्थान में है समझना चाहिए, निम्न स्थान में है रहना चाहिए, अनुकूल नहीं है ऐसा बताते। इसका रहना इसका समपात का लक्षण है, सहज लक्षण है, जन्मजात लक्षण है, नैसर्गिक स्वरूप है, प्रकृति सिद्ध स्वरूप है, थोड़ा ढलवा, ये थोड़ा उन्नत, ये भी एक माउस पिंड के समान बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा दिखाई पड़ा तो वो भी बहुत बुरा है गुरु होकर भी। इसका समपात है थोड़ा ढलवा रहना, ऐसा ढलवा रहने से ये कार्य पूरे उनके लिए जीवन में लागू होते हैं, विश्वास कीजिएगा। वो है आयु के विषय में हो, धन के विषय में हो, और आपने हर किसी विषय में जैसे कि अच्छा बुरा, कलाई क्षमा एकांत, ये सभी तत्व जितने एक बार घूमने फिर देखिएगा,
इतने इतने आते हैं। शनि कहते ही दो विषयों पर हमारी दृष्टि जाती है, धन कारक है, आयु कारक है। गुरु कहते ही भक्ति, प्रेम, विश्वास, पदवी, पुत्र, अनेक विषय रहने पर भी भक्ति को ही लेते हैं। शनि का संबंध में कहते समय धन और आयु, यानी आयु रेखा से इसका निकटवर्ती संबंध है। तो आयु की रेखा के बारे में गणना कहते हुए कब तक ये जीवित रहेंगे, जीवन यात्रा कहां तक रहेगी, ये कहने के लिए शनि स्थान को भी देखने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो ये आयु कारक है, धन कारक भी है। धन का मतलब नाना प्रकार के होते हैं। क्या गुरु को धन नहीं होता क्या? काफी धनवान होते हैं, मगर शनि अनुकूल रहना चाहिए। शनि में ये एक या दो खड़ी रेखाएं दिखाई पड़नी चाहिए तो धनवान होकर रहेगा। मगर गुरु का प्रधान कारक धन नहीं है, भक्ति है। भक्ति गुरु का कारक है, इसमें भक्ति कम रही थी क्या? नहीं, बहुत बड़े भक्त होते हैं ऐसे लोग भी, उपासना भी करते हैं, देव का भगवान का विलास तक जानना चाहते हैं, हिमालय जाते हैं, संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, एकांत में फिरते हैं, प्रकृति में भगवान को देखते हैं। भगवान को केवल मंदिर में ही देखना ऐसी कोई बात नहीं। मंदिर क्या होते हैं? हमारे हृदय में एक भगवान है, एक ईश्वर है, एक शक्ति है। ये शक्ति किस रूप में होती है, कैसी होती है? मूर्ति पूजा करने वाले मंदिर जाकर देखते कि हाँ, बालाजी, वेंकटेश्वर जी, शंकर जी इस रूप में रहते हैं, ये मेरे हृदय में। अपनी सूरत को बिना आईने के हम देख सकते थोड़ी? हृदय के भीतर के स्थित परमात्मा को एक आईने में किस प्रकार हम अपनी सूरत को देख सकते हैं? आप जीवात्मा में परमात्मा कैसा है स्वयं नहीं देख सकते हैं, इसलिए मंदिर चलते हैं, मंदिर में देखते हैं। घर बैठे बैठे भी प्रार्थना करते हैं, घर बैठे लोगों में भी भक्ति होती है। हर बार मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर से ही जाते हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि मेरे परमात्मा कैसे हैं, हाँ मंदिर चलिए देखिएगा। इसका मतलब नहीं जाना, मेरा कहना नहीं, जाइए जितनी बार जाएंगे मंदिर, वहां सत्संग चलता है, सत्संग में बैठिए, अच्छी बातें सुनिए, सज्जन बन जाइए। एक स्वात नक्षत्र जिस प्रकार मोती के उस शिप में गिरने के कारण मोती बन जाता है, उसी प्रकार एक सज्जन बन जाइए ना। शनि में भक्ति नहीं होती ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कथन है कि भक्ति नहीं रहती उसमें, नास्तिक होते, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है।